अब इसकी साउंड, अगर हम सिर्फ साउंड को लेंगे सबसे बड़ी दिलकश साउंड है, क्योंकि रिंगिंग ऑफ बेल्स के साथ ही जाता है। तभी ये सारे योगीज और सन्यासीज और पीर और फकीर और दरवेश, जिनके लिए मैं जिंदगी का मेजर हिस्सा मैं उनके बजाते गया है मेरा, उनके साथ साथ रह के, तो वो इस चीज़ को सराहते थे, सुनते थे, उनकी मेडिटेशन का जरिया बन जाता था, क्योंकि 12 से 4 बजे तक सुबह 9 तक मैं बजाता था। तो वो जो चीज़ें देखा हूँ मैं, उसका जो इन्फ्लुएंस देखा हूँ मैं कि कैसे ये जनरेट करता था, क्या साउंड होती थी, कि पूरा जंगल सन्नाटा सुनसान, एक लैंप जल रहा है, बल्ब नहीं बल्कि जैसे आप कहें लालटेन, वो जल रहा है या दिया जल रहा है, उसमें साउंड आ रही है, आप सुन सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए। कैसी साउंड होगी? और ये साउंड ह्यूमन सिस्टम से बहुत क्लोज है, ह्यूमन सिस्टम को पेयर्स करके जाती है, और उसमें से बहुत सारी जो आप समझिए कि एक एनर्जी जो ये दे देता है ये साउंड। लेकिन साउंड से शास्त्रीय संगीत नहीं बजता। आप कहेंगे कि साउंड बहुत अच्छी है और राग तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। राग की अपनी रिक्वायरमेंट है, राग की अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो गाना है, 100% गाना है। और तंत्र वाला क्या करता, तंत्र वाला कोशिश करता है कि उस गाने की अकासी मेरे साज के जरिए हो, और वही करते 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 मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म